वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 ऑफ क्लास 9 चैप्टर 4। हमने फर्स्ट वीडियो में पहले क्या पढ़ा था, थोड़ा सा प्रीव्यू उसका ले लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी इंट्रो एंड एक्सरसाइज 4.1 डन करी थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, y इज इक्वल टू 3x + 5। तीन ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पर, यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। हमने 4.1 एक्सरसाइज जब की थी तो यूनिक सोल्यूशन का मीनिंग वहाँ पर भी समझाया था, यूनिक सोल्यूशन होता क्या है। जैसे कि इधर देखिए, y इज इक्वल टू 3x + 5, इसका आंसर फर्स्ट इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनली मैनी सोल्यूशन ही इसका आंसर क्यों आएगा वो हम करेंगे। जैसे कि x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करिए, 1 पुट किया तो y कितना जाएगा 3 + 5 8, 2 पुट किया तो 3 + 6 + 5 11। आप x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं आप, नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, इंटीजर पुट कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर पुट कर सकते हैं, मैनी वैल्यूज, इनफाइनिटली मैनी वैल्यूज। अब कोई भी वैल्यूज पुट करिए एक्स की तो वाई की भी वैल्यूज आएगी, तो वहाँ पर हम वैल्यूज को गिन नहीं सकते हैं भी, एक्स की कितनी वैल्यू हमने पुट करी तो वाई की कितनी वैल्यूज आई। तो इसका मीनिंग क्या है, इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन। एक्स की आप कहीं सारी वैल्यूज निकालिए, वाई की भी उतनी सारी वैल्यूज निकल जाएगी। जब हमने एक्सरसाइज 4.1 वीडियोस बनाई थी उसमें एक यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग बताया था, थोड़ा सा प्रीव्यू उसका भी दे देते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या था, ओनली वन सॉल्यूशन, उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मीनिंग क्या, अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात करें तो आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन वही मिलेगा, और लेकिन टू वेरिएबल की बात करें तो देर आर इनफाइनिटली मैनी सोल्यूशन। अगर इनफाइनली मैनी सोल्यूशन है तो आप ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ हम 4.3 एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 2x + y = 7। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, y = 7 - 2x। हमने इस इक्वेशन को नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1। आप जब बड़े लेवल पर पहुंच जाओगे तो दो तरह के वेरिएबल और पढ़ेंगे आप। अभी तो आपने क्या पढ़ रहे हैं, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, इस तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप बड़े लेवल पर पहुंच जाएंगे तो सिर्फ क्या पढ़ेंगे, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाम से वो जरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। एक्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई क्या है यहाँ पर, एक्स है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई क्या है यहाँ पर आपका डिपेंड। वाई किस पर डिपेंड है, एक्स की वैल्यू पे, और एक्स किसी पर डिपेंड नहीं है, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करिए। आपको यहाँ पे चार सॉल्यूशन लिखने हैं, तो चार सॉल्यूशन हम कौन से लिखेंगे, फर्स्ट यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट 1 पुट करिए, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 7 - 2 × 1 7 - 2 5। तो एक सोल्यूशन क्या होगा आपका 1.5। इसी तरह से जब x इज इक्वल टू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 7 - 2 × 2 7 - 4 3। दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया, 2.3। ऐसे जब x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 7 - 2 × 3 7 - 6 1। और जब x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 7 - 2 × 4 7 - 8 - 1। तो 4 - 1, आपके यहाँ पे चार सोल्यूशन बन गए। इसी तरह से अगर 5 लिखा होता तो 5 पुट करते, 6 और 6, इस तरह से वैल्यूज आप कोई भी पुट कर सकते हो। याद रहे आप यहाँ पे इंटीजर, रेशनल इंटीजर कुछ भी पुट कर सकते हो, यहाँ पर 1/4 1/6 इस तरह वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन आप देख सकते हैं, चार सोल्यूशन कौन से बन गए आपके, 1, 5, 2, 3, 1 and 4 - 1, ये आपके चार क्वेश्चन बन जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट है आपके पास पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और आपने जब फर्स्ट चैप्टर किया था 9th क्लास में ही आपने पाई की वैल्यूज पढ़ी थी। अब पाई टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेट होता है, क्या होता है ये पाई 22/7। आप 22/7 भी पुट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 भी कर सकते हैं, और पाई की वैल्यू पाई भी लिख सकते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट इसका करेंगे पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। सब चल क्या करते हैं वाई 9 माइनस पाई एक्स, सेम वही पार्ट आपके पास पुट एक्स इक्वल टू 1, वाई क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई, तो 1 9 माइनस पाई। एक्स को 2 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, तो 2 9 माइनस 2 पाई। जब एक्स को 3 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, 3 9 माइनस 3 पाई। इस तरह से 4 पुट करिए आपके 4 सॉल्यूशन बन जाएंगे। वेरी 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 इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स इक्वल टू 4y। थर्ड पार्ट है इसका एक्स इक्वल टू 4y। इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कैसे चलने दीजिए, आपने इसको नहीं शेयर करना है, आप उल्टा कर दीजिए, आप वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 4 इंटू 1 ना क्या वो। लेकिन अब सॉल्यूशन आप जब लिखेंगे 1 4 नहीं लिखना है, एक्स की वैल्यू ही पहले लिखनी है, क्या लिखेंगे 4 1। ये बात याद रहे जो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं 1 4 लिखते हैं, वो गलती आपने यहाँ नहीं करनी है। प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपने ये गलती नहीं करनी है, पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू लिखनी है, करेक्ट। y की वैल्यू 2 पुट करिए, x कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई टू 8, क्या लिखेंगे 8 2। y की वैल्यू 3 पुट करिए, x कितना आ जाएगा 12 12 3। ऐसे जब y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 16 16 4। तो इस तरह से आप यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू ही लिखना है, क्योंकि अब हम ये x पहले लिख रहे हैं, y क्यों नहीं लिख रहे पहले, इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, ये सब आप थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट मैटर में पढ़ चुके हैं। जब जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं x की वैल्यू, और सेकंड में हम क्या लिखते हैं y की वैल्यू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। आपको यहाँ पर अब सारे पार्ट लिखे, सिर्फ 2 और 3 पार्ट ही करवाएंगे, बाकी सब क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, आपने वैल्यू सपोर्ट करनी है और देखना है लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट में एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 0 2। फर्स्ट पार्ट एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू एक्स वैल्यू 0 और वाई वैल्यू 2 पुट करनी है आपको। आप करिए पुट एक्स वैल्यू 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, क्या ये वैल्यू 4 हो सकती है, नहीं, इसका लिखेंगे नो सॉल्यूशन। इसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे 2 0 एक्स की वैल्यू 2 पुट करिए, वाई की वैल्यू 0 पुट करिए, 2 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 4, 2 = 4, ये भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, कैलकुलेशन नो सॉल्यूशन। जब इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम, थर्ड पार्ट है 4 0, जब 4 0 है तो 4 - 2 = 4, 4 = 4, यस 4 0 इज अ सॉल्यूशन। आपका पार्ट आ गया यहाँ पर, कैंसर इसका 4 0। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट भी चेक कर सकते हैं, क्या वो उसका सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। फिलहाल मैं इसका आंसर आपको बता सकता हूँ, इसके सॉल्यूशन आपको नहीं बनेंगे, देखने से पता चल रहा है 2 4 2 कहीं नहीं बनेगा। और 1 1 पुट करेंगे तो वहाँ पर क्या जाएगा 1 - 2 - 1 = 4, तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट पार्ट ऐसा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस
इसी तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं, सीबीएसई में तो इस तरह के क्वेश्चन आना ही आना है एमसीक्यू में, ये बात याद रहे। और सीबीएसई बोर्ड से एक बात याद रही, अभी जस्ट वन डे बिफोर सीबीएसई ने एक अनाउंसमेंट करी है कि 30% 9 to 12 सिलेबस कट हुआ है। तो आप सीबीएसई की साइट पर जाकर देख सकते हैं कि कितना सिलेबस कट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि इस बार सीबीएसई का वही सिलेबस करवाया जाएगा जो सीबीएसई ने रिकमेंड किया है। अगर डिलीट हो चुका है तो वो डिलीट ऑप्शन आपको नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 अगर है तो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, a की 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब पहले क्या करते थे, एक्स वाई हम अपनी तरफ से लेते थे ताकि सल्यूशन आए, लेकिन अब यहाँ एक्स और वाई आपको खुद पुट करना है। क्या करेंगे, 2 × 2 × 3 × 1 इज इक्वल टू k, 4 + 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू, ठीक है। कितने आ गया आपके पास, 7 आ गया। इस तरह के इनका क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है और इक्वेशन दे दी मैंने 2x + 6y इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू किस तरह जाएगी, एक बार आपको ट्राई करके देखिए जरा। 2 × 2 × 6 × 5 इज इक्वल टू k, 2 × 4 × 6y = 30, ये कितना जाएगा आपके पास, 34। ये था आपका आज एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3, और याद रहे जब हम एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 करेंगे तो प्लीज़ अपने साथ में ग्राफ जरूर रखिएगा ताकि आप साझेदार बना सके और साझेदार आपको क्लियर हो सके। अगर 4.1 4.2 में किसी को भी कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।